हेलो दोस्तों, नमस्कार। कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस का जो 1500 से 2000 के आसपास क्वेश्चन की जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही थी उसको हम लोग पढ़ाते हैं। आज हमारा है दूसरा दिन ज्योग्राफी के लिए। पॉलिटी के जो सीरीज है वो चल रहे हैं, वो चलते रहेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं विज्ञान की, तो विज्ञान की सीरीज भी जो है ना आज से ही स्टार्ट हो जाएगी। और उसको हम लोग जो कि बिहार पुलिस बीपीएससी टीचर, एमपी पुलिस, मध्य प्रदेश एसआई, उसके साथ साथ आईसीएआर, आईएआरआई, इन सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आए इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और वैसे अभ्यर्थी जो इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको आप लोग फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि उन लोग को भी जो है ना आपको ये सब पढ़ने में आपको आसानी हो सके, मदद मिल सके। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं भूगोल के जो है ना क्वेश्चन को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो हमारे पास जो है ना पहला आपको जो है ना क्वेश्चन है कि भारत की जो है ना स्थिति क्या है, भारत का जो है ना पोजीशन क्या है। तो हमने कल ही बात किया था, ये रहा आपको सबसे पहले जो है ना आपका प्यारा भारत, ऐसा हमने बना लिया आपको भारत का मैप। उसके बाद जो है ना भारत की स्थिति बताया था कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के आपको 37 डिग्री 6 मिनट इसकी स्थिति है। इसकी अक्षांशीय स्थिति क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। और अगर जो है ना इसकी देशांतरीय स्थिति की बात करें तो ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री आपको क्या है 25 मिनट इसकी देशांतरीय स्थिति है। तो याद भी करने का बताया था हमने ट्रिक आपको कि आपको घड़ी के विपरीत दिशा में जाना है, नीचे से स्टार्ट कीजिएगा एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे लास्ट में 4, यहाँ पे लास्ट में 5, 6 और 7, 4, 5, 6, 7। और ऐसे भी याद करना है कि उत्तर से दक्षिण के बीच जो है ना आपको कितने का गैप है, तो आपको 2 का गैप है। यहाँ पे लास्ट में 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे गैप कितना है, यहाँ का भी 2 का गैप है, यहाँ पे लास्ट में 5 है और यहाँ पे क्या है 7 है, मतलब 2 का गैप है। तो इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं भारत की अक्षांशीय स्थिति। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और आपको 67 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो इस तरह से हमारा हो गया आपको ऑप्शन गलत, 37 डिग्री आपको जो है ना 6 मिनट, वो भी जो 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट, तो यहाँ पे जो है ना ये भी ऑप्शन गलत। कहीं पे भी आपको 37 डिग्री 6 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट आपको उत्तरी अक्षांश नहीं दिया हुआ है, एक तो दक्षिणी अक्षांश के बीच दिया हुआ है, ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो जाता है। उत्तरी अक्षांश तो 8 डिग्री 4 मिनट और यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका उत्तर होना चाहिए। हमारा उत्तर होगा नॉन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोगों ने देखा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आपको पूछा गया है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, ऐसा नहीं कि किस राज्य से गुजरती है त्रिपुरा देखा हमने पहला ऑप्शन लगा के आगे बढ़ गए, नहीं, आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है कि किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। जब नहीं गुजरती है तो सबसे पहले जो है ना यहाँ पे देखेंगे त्रिपुरा है, यहाँ पे त्रिपुरा गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, कहाँ से नहीं गुजरती है, तो मणिपुर से नहीं गुजरती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, त्रिपुरा से गुजरती है, इन सब जगहों से गुजरती है, इसलिए क्या हो जाएगा गलत। हम इसके लिए शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, मित्र पर गमछा झाड़। क्या बताते हैं, मित्र पर गमछा झाड़। तो देखिएगा शॉर्ट ट्रिक अगर आपको लिखना होगा तो याद कर लीजिएगा, आपको भारत के 8 राज्यों से जो है ना कर्क रेखा गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। तो 8 राज्य कौन कौन से हैं, उसका तो नाम हमने लिख दिया शॉर्ट ट्रिक में, मैं बता रहा हूं। और ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री से गुजरती है। कर्क रेखा जो है ना आपको कौन सी लाइन है, 23.5 डिग्री। क्या 23.5 डिग्री जो है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो इसको हम लोग बात करते हैं मित्र पर गमछा झाड़। तो मी फॉर मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, आई थिंक 8वां स्टेट हो गएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। मिजोरम ठीक है, मिजोरम याद कर लीजिए, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो इस तरह से हमारा इसमें मणिपुर कहीं पे भी नहीं आ रहा था, इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग जो है ना मैप के जरिए भी अगर जो है ना आपको देखना है तो आप मैप के जरिए भी देख सकते हैं। देखिए हम मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। ये रहा आपको भारत का मैप, ये रहा भारत का मैप, जिसमें देखेंगे कि आपको जो 8 राज्य हैं पश्चिम से पूरब की तरफ देखेंगे। किधर से किधर की तरफ देखेंगे, पश्चिम से पूरब की तरफ देखेंगे। तो देखते हैं ये 8 राज्य के नाम। सबसे पहला जो है ना आपको पश्चिम में आपको गुजरात, पश्चिम में कौन सा राज्य है सबसे पहले, जहां से कर्क रेखा, ये वाली जो लाइन है ना,
ये लाइन आपको ट्रॉपिकल कैंसर है, यही वाली लाइन जो है आपको कर्क रेखा है। तो इस तरह से पहला क्या हो गया गुजरात, दूसरा आपको राजस्थान, दूसरा क्या हो गया आपको राजस्थान से देखिए यहाँ पे पास कर रही है, ठीक है, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड और आपको छठा पश्चिम बंगाल, सातवा त्रिपुरा, आठवा मिजोरम। इस तरह से जो है ना आपको आठों राज्यों से हमने देखा कि आठों आठ राज्य से जो है ना आपको कर्क रेखा गुजरती है। आठों राज्यों का नाम शायद याद हो गया होगा, एक दो बार और वीडियो को देखिएगा जिससे आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। अब हम लोग जो है ना वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन ये था हमारा सबसे पहले कि भारत की स्थिति क्या थी, दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने देखा किस राज्य से गुजरती है, किस राज्य से नहीं गुजरती है, तीसरा क्वेश्चन फिर से आता है आपके सामने कि कर्क रेखा कहां से गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है ना आपको मध्य प्रदेश से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, तीनों राज्यों से गुजरती है। तो इस तरह से हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, इन सभी से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, अभी हमने बताया कि आपको आठ राज्यों से होकर जो है ना कर्क रेखा गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू एट स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारतीय मानक समय जिसको हम लोग अंग्रेजी में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, और ग्रीनविच जो आपको मानक समय है, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मीन टाइम, इसको क्या बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम और इसको क्या बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मीन समय के बीच का अंतर कितना है, तो 5.5 घंटा प्लस का होना चाहिए, क्योंकि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। कौन आगे है, भारतीय मानक समय जो है ना आपको ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है, तो आपको इन दोनों के बीच का अंतर 5.5 घंटे का है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो इस सब मैप के जरिए देखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या है दक्षिणतम बिंदु है आपको भारत के जो है ना ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार जैसे आप लोग भारत का मैप बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, यहाँ कहीं पे आपको जो है ना ये जो है ना आपको अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, तो ये जो सबसे लास्ट पॉइंट है भारत का, ये तो मुख्य भूमि हुआ ना भारत का, ये क्या है आपको मुख्य भूमि है, मेनलैंड है, और उसके अलावा ये अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो भी तो भारत का ही जो है ना भाग है, तो इसलिए कह सकते हैं कि आपको जो सबसे लास्ट पॉइंट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं ग्रेट निकोबार कहते हैं, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है आपको, सबसे जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट, सबसे जो दक्षिण में आता है उसको क्या बोलते हैं ग्रेट निकोबार, ठीक है। अगर जो है ना पूछेगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु भारत की मुख्य भूमि में कौन है, तो भारत की मुख्य भूमि में ये रहा आपको तमिलनाडु, और तमिलनाडु का सबसे दक्षिण बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, सबसे साउथर्न मोस्ट पॉइंट क्या है आपको, आप इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, क्या बोलते हैं इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि आपको भारत की मुख्य भूमि में आपको इंदिरा पॉइंट जो है ना दक्षिणतम बिंदु है, लेकिन पूरे अगर भारत की बात करते हैं, मेनलैंड की बात नहीं कर रहे हैं, तो आपका सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है ना आपको बड़ा निकोबार है, ग्रेट निकोबार है। जहां तक कि मुझे उम्मीद है आपको जो है ना वीडियो पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन आपके पास फिर से आया कि भारत का सुदूर दक्षिण पॉइंट किस कहां में स्थित है, तो भारत का जो सुदूर दक्षिण पॉइंट है फिर से आपको वही ऑप्शन बड़ा निकोबार, पूरे भारत की अगर बड़ा निकोबार ऑप्शन रहेगा तो बड़ा निकोबार ही लगाएंगे, लेकिन मुख्य भूमि में पूछेगा मेनलैंड में तो इंदिरा पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। ये भारत का क्या है, सॉरी मैंने बहुत गंदा समय बना दिया, ये भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है ये क्या है आपको कन्याकुमारी है, ठीक है, कन्याकुमारी इंदिरा पॉइंट। आगे हम लोग बात करते हैं भारत की राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है, मतलब भारत के ये सब आईएएस प्री में आपको 2015 में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीपीएससी टीचर को लेकर के, और आपको आईएआरआई इन सभी एग्जाम को लेकर के बहुत ही अति महत्वपूर्ण सवाल है, तो इसको देख सकते हैं कि आपको जो सबसे पूर्वी राज्य अभी हमने भारत बनाया था ऐसा, ठीक है, तो भारत जब हमने बनाया था तो ये आपको सबसे जो है ना पश्चिमी राज्य कौन था आपको गुजरात था, सबसे पश्चिम में कौन सा राज्य था गुजरात, और सबसे पूर्व राज्य मैंने 2-3 दिन पहले जब मैं पढ़ा रहा था आपको ज्योग्राफी, तो सबसे पूर्व में भी कौन था आपको अरुणाचल प्रदेश, वहीं पे होता था आपको सबसे पहले सूर्योदय, याद आया होगा आप लोगों को जब आपने वीडियो देखा होगा, तो ये आपको जो है ना सबसे पश्चिमी राज्य कौन होगा आपको गुजरात, और सबसे पूर्वी राज्य कौन होगा आपको अरुणाचल प्रदेश। तो पूछा क्या है सबसे पश्चिमी, तो सबसे पश्चिमी आपको, और सबसे पूर्वी, तो सबसे पूर्वी सबसे पहले, तो सबसे पूर्वी में क्या हो गया अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिमी में क्या हो गया आपको, सबसे पश्चिम में क्या है गुजरात है, सबसे पश्चिम इधर की ओर पश्चिम है तो ये गुजरात, इधर क्या हो गया आपको अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ सकते हैं।
निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान से नहीं मिलती हैं? तो जैसे ही आप लोग मैप देखेंगे इंडिया का, बार बार जो है ना आपको मैप दिखाने की जरूरत पड़ेगी मुझे, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपको भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है, तो आपको सिक्किम जस्ट बगल में, अरुणाचल प्रदेश से भी भूटान का जो है ना सीमा मिलता है, वेस्ट बंगाल से भी जो है ना भूटान का सीमा मिलता है, मेघालय का भूटान से सीमा नहीं मिलता है। इंडिया का मैप आप लोग देखेंगे तो जैसे ही आप लोग देखेंगे तो मतलब भूटान के साथ साथ कौन कौन से राज्य हमारे भारतीय राज्य भूटान को छूती हैं, तो आपको सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल तीनों के तीनों छूते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? फिर से क्वेश्चन जो है ना, तो आपको यार इसमें बिहार को देखिएगा, तो बिहार आपको जो है ना, बिहार की जो सीमा है वो भूटान से नहीं लगती है, बिहार की सीमा जो है ना नेपाल से बस लगती है और किसी के साथ नहीं लगती है। तो आपको इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आपको बिहार हो जाएगा, क्योंकि बिहार भूटान की सीमा को नहीं छूता है। बाकी के सभी राज्य जो है ना, असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश भूटान की सीमा को छूते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है, ठीक है, वो कौन, वो भारत की और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा निर्धारित की गई थी डुरंड रेखा के द्वारा। मैंने सोचा अफगानिस्तान के साथ है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो है ना आपको रेड क्लिफ रेखा द्वारा जो है ना आपको सीमा रेखा निर्धारित की गई है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हो रहा था, सीमा का बंटवारा हो रहा था, तो सर रेड क्लिफ ने, किसने, सर रेड क्लिफ ने आपको भारत और पाकिस्तान के बीच आपको सीमा का बंटवारा किया था, इसलिए उस सीमा का नाम क्या रखा गया? रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा। कोई दिक्कत है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। डुरंड लाइन, अभी जस्ट हमने बताया डुरंड लाइन जो है ना भारत और अफगानिस्तान के बीच है। डुरंड लाइन किसके किसके बीच आपको है? भारत और अफगानिस्तान के बीच है। डुरंड लाइन किसके किसके बीच है? भारत और अफगानिस्तान के बीच है। एक और इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं कि आपको मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच स्थित है, ठीक है। तो हम लोग आगे की ओर देखते हैं, मैकमोहन लाइन को मैं लिखवा दे रहा हूं, मैकमोहन लाइन जो है वो भारत और चीन के बीच स्थित है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो भारत का सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा आपको बांग्लादेश के साथ है। किसके साथ है? भारत का सबसे लंबा जो आपको स्थलीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ है। लगभग 4096 किलोमीटर का जो है ना भारत का और जो है ना बांग्लादेश के साथ आपको सीमा, सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा जो है ना बांग्लादेश के साथ है, 4096 किलोमीटर का, 4096 किलोमीटर का जो है ना हम लोग सीमा साझा करते हैं। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? भारत और चीन का जो उत्तर पूर्वी सीमा है उसका जो है ना आपको सीमांकन कौन करती है? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि भारत और चीन के बीच जो है ना मैकमोहन लाइन है। कौन सा लाइन है? मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा है? मैकमोहन रेखा है। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? पूछ रहा है कि किसके द्वारा जो है ना आपको भारत श्रीलंका से अलग होता है, तो भारत और श्रीलंका के बीच जो है ना आपको बाघ स्ट्रेट है। भारत और श्रीलंका के बीच क्या है आपको? बाघ स्ट्रेट है। तो उसी के द्वारा जो है ना भारत और श्रीलंका क्या होते हैं? अलग होते हैं। जैसे मैंने ये बताया आपको, ये है क्या भारत, ये भारत और यहाँ पे क्या है आपको श्रीलंका, इन दोनों के बीच जो है ना आपको एक जल डमरू मध्य है, जिसको क्या बोलते हैं? पाक जल डमरू मध्य। तो ये पाक स्ट्रेट के द्वारा आपको भारत और श्रीलंका की आपको सीमाएं अलग होती हैं। पाक जल डमरू मध्य के द्वारा आपको ये भारत और श्रीलंका के बीच जो है ना सीमा रेखा अलग होती है। भारत में किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? कौन सा ऐसा जो है ना आपको राज्य है, उस राज्य की सीमा जो है ना तीन देशों से जुड़ती है, नेपाल, भूटान और चीन। आप नेपाल से भी जो है ना उसका जो है ना सीमा लगा हुआ है, भूटान से भी लगा हुआ है, और उसके साथ साथ आपको जो है ना चीन से भी जो है ना उसका सीमा रेखा लगा हुआ है। तो आप लोग इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको? अरुणाचल प्रदेश। आगे की ओर बढ़ते हैं, भारत के, हाँ ये भी देख लिया, निम्न भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो आपको त्रिपुरा के तीन तरफ जो है ना आपको क्या है? अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं। त्रिपुरा के तीनों तरफ क्या है? अंतरराष्ट्रीय सीमा, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड। भारतीय जो उपमहाद्वीप है,
भारतीय उपमहाद्वीप, भारत को जो है ना सबसे पहली बात की उपमहाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत जो है ना महाद्वीप जैसा है और इसको महाद्वीप की श्रेणी में ना रखने का बहुत सारे कारण है, इसलिए भारत को क्या कहते हैं, एक उपमहाद्वीप कहते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का जो है ना आपको हिस्सा है, गोंडवाना लैंड एक विशाल भूखंड था जिसका आपको भारतीय उपमहाद्वीप हिस्सा है। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, तो भारत आपको जो है ना चार प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, तो भारत चार प्राकृतिक प्रदेशों में आपको विभाजित है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वैसे अभ्यर्थी जो इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे उनको सेंड कीजिएगा ताकि वो भी इनका लाभ और आनंद उठा सके। धन्यवाद।